बेरोजगार बंदे आती प्रैक्टिस नहीं करते, आती प्रैक्टिस नहीं करते बीट आउट चालू कर देते यार। आगे लियास भी नौटा बाजे देखो ना वैसे उन खुला थक बड़ा तो दरी छाई खाया दिन खुले रहे। हाँ अम्मा बोले जी तो जरूर कर दर करने तो जरूर दियोर कर चे सिरा के दिए सो कोते एक बार है लेकिन चेंज देखो तो बोलो नौटा कोडी तो भाई ने फोन कर दिया बोले जी दियो खाते। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी चारों दुकान पे अभी आज थोड़ा लेट हो गया हूँ तो अभी सीधा आपको दुकान पे जाके बात करूँगा आपसे। तो गाइस मैं आ गया हूँ दुकान पे। अरे बाल यार हवा में उड़ जाते हैं जब स्कूटी से आता ना उड़ते रहते हैं इतने तेज तेज। तो आ गया था दुकान पे और मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा अब से रोज। तो उसी दिन मेरे को जिम में इधर और इधर दोनों साइड छाले भर के भाई मैं ना कुछ ठीक से बोल पा रहा था ना कुछ खा पा रहा था ठीक से। सुबह सुबह मैं ना कुछ खा पा रहा था भाई। मैं एक बार ट्राई किया था बहुत दर्द हो रहा था भाई। तो सुबह का रूटीन ये था कि जैसे वो आटा था नहीं होता आटा को भूज के मतलब हमारे भाषा में उसको बोलते हैं आटा भाजा। और आटा भाजा के चाय पे अच्छे से बस उसको उसको लेना ख़त्म। वो सुबह चल जाता था मेरा और दोपहर को खिचड़ी रात को खिचड़ी और मन करे तो वही सेम आटा भाजा जिसको हमारे भाषा बंगाली में बोलते हैं आटा भाजा तो वो खाना पड़ता था। और भाई ये हफ्ता बहुत मतलब बहुत वो गया भाई ना कुछ अच्छे से बोल पा रहा हूँ ना कुछ भाई। प्रैक्टिस पे जाता हूँ ना वहाँ पे चुप रहने का तो मन करता ही नहीं। वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस भी होती रहती है हंसी मजाक भी होता रहता है और वहाँ पे मैं कुछ हंसी मजाक ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। क्या बताऊँ यार अब तो थोड़ा ठीक हो अभी भी हल्का सा है तब तो ठीक बोल पा रहा हूँ। ब्लॉग बनाता हूँ और आप सबको बता देता हूँ क्या है। अब आनंद ही मार रहा है यार पता है जो मेरे साथ उड़ते बैठते रहते उनको पता है मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा था ना कुछ ठीक से खा पा रहा था। इसकी जीव की वजह से मेरी पार्टी भी मिस हुई है। भतीलक भाई ने मुझे इनवाइट किया था बट मैं वहाँ पे जा नहीं पाया था मन था जाने का बट मैं जाके भी क्या करता भाई ना कुछ खा पाता ना कुछ बोल पाता मस्ती होती नहीं तो असल मैं गया ही नहीं खुद से। वो चलो अब गया अब तो ठीक हूँ। अब जिसने पार्टी में बुलाना बुलाना ना मैं आ जाऊँगा ठीक है। और आज 16 फरवरी है तो आज शायद बोला था पंजाब बंद रहेगा जो हड़ताल चल रही है किसानों की हड़ताल पे शायद बंद रहेगा बोल रहे थे बट हमारे यहाँ तो कोई बंद तो है ही नहीं इसलिए हम भी आ गए दुकान पे आके। अब अभी जस्ट आपसे बात करना मैं झाड़ू पहुँचा सब कुछ मारना फिर मुझे 12 बजे ट्यूशन भी जाना अभी बज गया 11 तो फिलहाल मारते झाड़ू पोछा के रूटीन है ये तो आपको पता ही है रूटीन मेरा। तो मारते झाड़ू पोछा फिर मैं आपसे बात करूँगा या फिर मैं आपको सीधा प्रैक्टिस पे मिलूँगा जाके। आज बैट भी टूट गया भाई यार बीच से पूरा ख़त्म हो गया क्या बात है यार बैट से बहुत याद ही जुड़ी है। मैं उसको ट्राई करूँगा ठीक कराने का ट्राई करूँगा और एक नया बैट लेना ही है तो देखते हैं कब लेते हैं अभी पैसे पुसे आए फिर देखते हैं। A few moments later. तो गाइज अभी गया था मैं बैट लेने बट वहाँ पे बैट मिला मेरे को बहुत रेट हाई है। तो एक और दुकान पे गया था वहाँ पे रेट नीचे है थोड़ा कम है बट मेरे को थोड़ा डाउट था कि इतना महंगा बैट वो इतने सस्ते में क्यों बेच रहे। फिर मैंने अपने सर को फ़ोन किया फिर उनसे थोड़ी बातचीत की उनसे बातचीत करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि उनकी बात ही सुनते हैं फिर और अभी चलना है प्रैक्टिस पे। फिलहाल प्रैक्टिस पे चलते हैं मूड की ऐसी की तैसी हो गई है अब क्या बताऊं यार चलो प्रैक्टिस पे चलते हैं। ये है बेरोजगार बंदे आती प्रैक्टिस नहीं करते बीट आउट चालू कर देते यार। अब तो नया गेम चालू करते हैं बीट आउट भी छोड़ देना अब तो।
तो बीट आउट भी छोड़ दिया, पता नहीं क्या बाहर खेलते हैं, मैच है मैच है। मैं भी जा रहा हूँ यार, फिलहाल कोई आया तो है नहीं, तो फिलहाल अभी वार्म करता हूँ, फिर उसके बाद इनके साथ थोड़ी बहुत खेलता हूँ मैच। लो भाई आज भाई कुछ बोलो तुम। अरे पहले अपने से स्टार्ट तो करे यार से आगे। और क्या, अभी हम थोड़ा ग्राउंड में काम कर रहे हैं, थोड़ा पानी मजदूर बन रखे हैं, थोड़ा हम कहाँ कर रहे हैं यार, पानी पुनी खा जाता है। अरे तो क्या हुआ, नाली सी बना रहे हैं देखो सर इनकी वीडियो बना दी, बाकी ना हमें बारिश के टाइम दिक्कत ना हो, इसलिए हमारे मजदूर लगे पड़े हैं, चार सौ झाड़ियाँ ज्यादा है मजदूरी में। हाँ अब कितना रुपए मिलते हैं, किसी ने सोची ना होगी झाड़ी, 800 रुपए झाड़ी भाई, मैं भी लग जाता, मैं कैसे 400 तुम्हें दूंगा भैया, हम भी फिर आ जाते व्लॉगिंग छोड़ देते, वही लग जाता है। ये तो रियलिटी बता रहे तू, काम करो तेल मैंने कुछ गलत कहा, बहुत कुछ कहा, थोड़ा हटेंगे भाई साहब, ये पता नहीं किसकी फोटो आ गई मेरे फोन में, अंतुमन 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 अंतुमन, ओए हुड्डी मेरी पा रखी है इसने, ओ बाबे जर्दा हुड्डी, ओ यार इसका जर्दा नहीं है, ओ ब्रे दिन भर की दिहाड़ी जर्दे के बाद मजा आता आनंद, जो खांदा जर्दा वो कदे नहीं मरदा, तू भी खा ले भी रे खांदा पिया, तू भी खाने भी रे खा ले, बढ़िया यार। तो गाइस मैं आ गया था घर पे और अभी बना रहा था मैं चाय, क्योंकि लोग कुछ मेरे पिछले वाले वीडियो में पूछ रहे थे कि आप गुड़ वाली चाय की रेसिपी बताओ, तो आज मैं उनको रेसिपी बताने जा रहा हूँ गुड़ वाले चाय की। वो उतना कुछ खास नहीं है इसमें, वो भाई अभी दूध गिरते गिरते बचा भाई जस्ट, तो पहले डालेंगे चाय पत्ती, अनुसार डाल देना इस पर चाय पत्ती, फिर थोड़ा सा रंग आने के बाद डालेंगे गुड़, बस इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो आप लोग रेसिपी मांग रहे थे उस पर कुछ खास नहीं है, जो चीनी डालते हैं ना चीनी की जगह हम डाल देते हैं गुड़, क्योंकि भाई चीनी उतना हेल्दी होता नहीं है अपनी बॉडी के लिए, तो इसलिए हम डालते हैं गुड़, और उसमें बहुत अच्छा मतलब इसमें थोड़ा कम केमिकल मिक्स होता है, बट चीनी में कुछ ज़्यादा मात्रा में मिक्स होता है, तो इसलिए हम चीनी नहीं खाते। तो अभी इसको बनने देते चाय को, चाय पी के अपा चलेंगे सीधा दुकान पे भाई, और अरे अरे गिर गया गिर गया गिर गया, अरे बच गया भाई बच गया भाई, इसको बहुत फूंक देना पड़ता है, तो अभी चलो फिलहाल चाय बनने के बाद अपा पी के चलेंगे दुकान पे सीधा। अभी मैं आ गया हूँ दुकान पे, अभी नहीं बहुत पहले आया था, अभी बजे हैं 8:35, तो अभी मैं दुकान बैठा हूँ, अभी दुकान पैक करने का टाइम हो गया है, तो इसलिए आज के पूरा दिन आपको बता देता हूँ। सुबह जैसे रोज़ सेम आया दुकान पर, झाड़ू पोछा मार के बैठा, फिर गया ट्यूशन, फिर गया था मैं, मेरा बैट टूट गया, उसकी हालत बहुत ख़राब है बैट की,
तो मैं देखने गया था बैट, मतलब देखने नहीं, मैं ऑलमोस्ट लेने गया था बैट, बट यार अब बजट से बहुत ऊपर था। मेरा माइंड में था कि अभी भाई मेरे को उतना महंगा बैट नहीं लेना है, जैसे मैंने ये बैट लिया था अपना वाला, वो मेरे को 6000 को मिला था, तो मैंने यही सोचा था 6-7-8 के अंदर कोई बैट होगा तो मैं ले लूँगा एलसी का, क्योंकि मैंने जो अभी लिया था अपना बैट जो मेरा टूट गया वो भी 6000 के बैट था, वो भी 6000 का था, तो मैंने सोचा मिल जाएगा, अगर मिल गया तो ले लूँगा आज ही, बट मिला नहीं। तो मैं उसके बाद दूसरी दुकान पर भी गया था, वहाँ पर भाई मतलब रेट इतने रेट ज़्यादा हो तो हो फिर भी दिक्कत, और मैं जब दूसरी दुकान पे गया वहाँ पे रेट कम था, मतलब हद से ज़्यादा कम था, तो मुझे वहाँ डाउट गया भाई ये बैट में इतना रेट कैसे कम है, तो मुझे लगा भाई कुछ खोट खोट ना हो, इसलिए मैंने लिया नहीं वहाँ से भी। तो मैंने अपने हर को बोल दिया, तो अभी जाएंगे शायद कल जाएंगे जाके बैट की फैक्ट्री में जाएंगे, वहीं से देख लेंगे जो भी अपना अपना बनवाना हो बनवा लेंगे बैट, जो भी है अपना हल्का लेना बैट भारी लेना है अपने हिसाब से बनवा लेंगे वहां जाके। तो ये था, फिर उसके बाद मैं घर आ गया था, मैं प्रैक्टिस कर रहा होगा था लेट, घर आके मैं फटाफट प्रैक्टिस की ड्रेस पहन के मैं सीधा प्रैक्टिस चला गया, और प्रैक्टिस में आज हुआ था ओपन नेट हुआ था हमारा, तो ओपन नेट में बैटिंग की, स्पिनी विकेट थी, स्पिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मुझे हारने वाला था रोक के खेलना नीचे नीचे, और आप सबको पता ही है हम उतना नीचे नहीं खेलते, पुजारे की तरह नहीं खेलते हम, आई गया था नीचे रोक के रखूँ एक दो रन लूँ, मेरे से जितना हुआ मैंने रोका, फिर मैंने ट्राई किया मारने का, बट बैट था वो मेरे पास था ही नहीं, इसलिए वो अच्छे भी नहीं गए। हाँ ये होता ना कि खुद का बैट होता है जिससे रोज़ खेलते हो, हाथ अपना सेट हो जाता है उससे, तो वो बैट नहीं था, वो बैट को देखूंगा रिपेयर हो जाए तो रिपेयर भी करा लूँगा, और एक कल जाएंगे बैट भी ले आएंगे, एक देखते हैं सर ने बोला है कल जाना, देखते हैं सर का कल जाते हैं कि नहीं जाते। तो बस आज का दिन यही था प्रैक्टिस, मैं आया सीधा घर आके चाय पानी करके मैं दुकान पर आ गया, दुकान पर आकर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो अभी करना है दुकान बढ़ाना, 9 बजे बढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो अभी फिलहाल अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर न तो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।